मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। अभी बजे 8:25, मुझे 8:30 को घर से निकलना है क्योंकि 8:35 को मेरा बस आएगा और मुझे बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा। आयो, तू क्या कर रहे हो? ये वाला बॉल भी तोड़ना है क्या? चेयर में चढ़कर फिशी को देखकर खाना खाते हैं हमारे महाराज। हे भगवान, अरे अरे वो लोग डर वो लोग डर जाएंगे। अरे तोड़ देगा ये भगवान, ये बच्चा कैसे हो रहा है? और मछलियों का घर भी तोड़ दोगे क्या? चलो आप इसको खाते हुए देखो, मेरा टाइम भी हो रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और फिर आज भी मेरा वही हालत है जैसा कल था, बिजी वाला दिन। आज भी मेरा ट्यूशन है, बस कल नहीं है, वेडनेसडे नहीं है। तो चलो मैं जा रही हूँ स्कूल, आप सभी से आने से मिलूंगी। सुबह सुबह मम्मी आई थी, जा देखो बाहर है। है? अच्छा। गुड मॉर्निंग श्रेयांस। गुड मॉर्निंग। आज स्कूल नहीं गए? हाँ। अब श्रेयांस आयु को मिलने आए हैं। सुबह आया था मिलने, लेकिन तब आयुष हो गया था और वो अभी हमारे घर सुसु किया, नहीं तो तुम्हारे घर करता, देखो ना। और ये देखो सानवी को, ये क्या कर रहा है? निपल ने लिया मुंह में। ओहो कैसे दिख रही है। मत दो, मत दो, उसको मत दो, खाना खाया ना उल्टी कर देगा, वो फेंक देंगे, वो पुराना हो गया, उसको डस्टबिन में डाल दो और नहीं रखना है उसको। हनी था, बहुत पुराना है, उसको नहीं खाना है। हाँ उसका एक्सपायरी भी चला गया होगा। एक्सपायरी डेट नहीं होता। कुछ बोल रहा है आयु तुमसे, बात करो। मत उठाओ, सुसु क्या है? ट्यूजडे, तो आज का दिन चलो मैंने खत्म ही कर दिया, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे, उसके दो दिन बाद फ्राइडे को क्या? फ्राइडे इवनिंग को है, 6 बजे नहीं इवनिंग को, सुबह दीदी स्कूल जाएगी, तुम भी स्कूल जाओगे। 11 o'clock नहीं बना सकते, दीदी नहीं होगी क्या? कितने बजे मनाओगे बर्थडे? वो बोल रहा है ना 6 बजे। 6 बजे सब कोई आएंगे, वो सुबह भी आ सकता है। नहीं वो बोल रहा है, हम लेकिन तुम्हारे उन दोस्तों को नहीं बुलाएंगे, वो तो तुम्हारे दोस्त है ना, आयु के तो दोस्त है नहीं। आदि नहीं, आदि नहीं, वो जो गुस्सी गली में डालता जहाँ पे कनीसा नव्या वो सब शिवांश, इन लोगों को हम नहीं बुलाएंगे। आदि ना इसका भी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। आदि को, हाँ आदि को बुला देंगे। आदि ना तेजू, आदि को तेजू को आधा बस बीमार हुआ है, पूरा नहीं बीमार हुआ है वो ना, जो आयु का फ्रेंड यूबी नहीं है, यूबी हाँ उसको बुलाएंगे, उसका भाई को बुलाएंगे। उसको आदि ना उसको बहुत मारा है। हाँ उसके पापा उसको डांटे। अच्छा उसको भी बुला। सानवी जाओ नीचे खेलो, जाओ आयु के साथ खेलो, जाओ अभी, नहीं तो वो नहाने चला जाएगा, तो तुम खेल नहीं पाओगी, जाओ। तो ये भी बात तुम नहा लिए हो ना? नहीं आज नहीं नहाओगे, तबीयत खराब। ठीक है मैं आयु को जाती हूँ, उसका खाना बना दी हूँ, नहला देंगे और थोड़ी देर बाद मेरा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ, फिर उसके बाद नहला दूंगी। ठीक है। इस फ्राइडे को कौन सा वीडियो आएगा पता है आयांस वर्ल्ड पे? लुका छुपी गेम। इसके बर्थडे एडिट आप कब एडिट किया हो? करूंगी आज। देखो चम्मच दिखा रहा है आयु तुमको। आयु क्या कर रहे हो? ये चम्मच नहीं है। अच्छा नीचे बैठ के उसको पिज्जा बना के दो, खाएगा वो। खेलो खेलो करो। अभी तुम्हें मारा हुआ पिज्जा आयु, तू मैच कर सकती
कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको बैलून चाहिए, बैलून बैलून जो है। फाइनली मशीन आज जा रहा है हॉस्पिटल ठीक होने के लिए हमारा। क्या हो रहा है, खुश क्यों हो रहे हैं? क्या देख रहे हो ये? ये क्यों खुश हो रहा है? जा बैलून से खेलो, दोनों बैलून से खेलो। अभी मैंने घर साफ किया ना, यहाँ पे आयु का सामान पड़ा हुआ है, इसमें आयु का गिफ्ट रेड जीप न्यू गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट एडवांस आ गया। आएगी 9 बजे जब बोलेगी मैं मॉल के पास हूँ तभी जाएगी, जब वो आई जब वो ड्रेस चेंज करेगी तभी मैं भी ड्रेस चेंज करूँगा। आप हम लोग इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 10 बजे। ओके कल तो स्कूल जाना, देखो चल चल के ये जा रहा है, खुश हो रहा है। हाँ देखिए इसमें क्या है, आयु कम कम पढ़ने आता है क्या, इसमें क्या लिखा है? तुम पढ़ो, तुम तो स्कूल जाते हो, इतना उठा कैसे पा रहे हो तुम, इतना ताकत कहाँ से आया? दूध पीते हो? दूध पीते हो इसलिए? हाँ दीदी के पास तो ताकत थी नहीं। देखो आयु क्या बोल रहा है, ये मेरा गिफ्ट है भैया। सुनो आयु ये तुम्हारी लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आयु खेल लेगा और श्रेयांश उसको खिलाएगा ना। हाँ, उसमें बिठा के देखेगा। कितने इयर्स का? 2 to 3 ईयर, मतलब 1 to 3 ईयर ओनली। सुनिए हाँ शायद मैं बैठूंगा तो आ जाएगा। तुम 5 ईयर के हो गए, अगर 3 ईयर के होते तो बैठ जाते। अगर मैं बैठ, वो सान भी बैठ सकती है, वो 1.5 की है ना, वो बैठ सकती है। नहीं 1 and 6। हाँ तो वो बैठ सकती है। मैं बैठने को कोशिश करूंगा, अगर नहीं बैठ पाया तो छूट दीजिए। आयो उसके ऊपर बैठना नहीं है, देखो पंखा ही नहीं चलाया तो पंखा चलाना भूल ही है। हमें मेरा ब्लॉग बना रहे ना तो फैन का साउंड आएगा इसीलिए। गर्मी लग रहा है। ओहो आपके ही बजे। आयु सोच रहा है कि वो खुद अनबॉक्स करे अपना मतलब। सुनो उसका बर्थडे 28 को है, उसके बाद मतलब गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना चाहिए था, लेकिन इसका उतने दिन तक पेशेंस नहीं है कि वो उसमें खेलने के लिए उतावला हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज ही अनबॉक्स कर लो। नहीं कल करेगा, बर्थडे तक नहीं रह पाएगा ये। और वो गाड़ी निकलेगा तो उसमें बैठ के वो खाना भी खा सकता है, उसमें गाना बजेगा तो वो देखेगा भी इसीलिए। उसमें क्या वीआर सोना बस गाना आता है क्या? पता नहीं कौन कौन सा गाना आता है, बहुत सारा गाना आता है। मैं उसको प्रेस करूंगा तो कोई कोई गाना आएगा। हाँ। तीन बटन से क्या? या 4 बटन? मुझे नहीं पता बाबू, मुझे फोटो बस देखे हैं, उसके मामा जी को पता होगा, वो ऑर्डर कर दे उसीलिए तो बोल रहे हैं कि अनबॉक्स करो। ये तो बहुत खुश हो रहा है, ये तो बहुत सुन रहा है। आयु ये तो बड़ा ही गिफ्ट है, तो तुम इसके ऊपर चढ़ क्यों रहे? तुमको लगता है ये सोफा है? चलो फिर दीदी का रास्ता देखते हैं। हाँ है ना, लाइट ऑफ कर देते हैं। अभी हम 2 मिनट में आते हैं। हम लोग रास्ते में आपको आयु को थोड़ा गाड़ी में घुमाते भी रहेंगे। अभी 2 मिनट हम लोग इसको बंद करते हैं और 2 मिनट के बाद हम लोग रास्ते में पहुंचेंगे, तभी हम लोग आपको दिखाएंगे। ओके हाय एवरीवन, सो मैं ट्यूशन से वापस आ चुकी हूँ, अभी बज रहा 10:15। मैं आई वापस 9:15 को डिनर करके। आज एक्चुअली एक चीज़ है तो जिसका हमें अनबॉक्सिंग करना था, तो वीडियो वगैरह का काम किया मैंने, और मेरा वॉइस बहुत लो सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ऑल दो मैंने ट्यूशन में कॉफ़ी पिया था बट मुझे नींद आ रही है क्योंकि वो मैंने 6 बजे पिया था ऑनेस्टली, तो वो क्लास के टाइम में नींद नहीं है, वरना मैं एक्चुअली आज वैन में जाते वक्त ऐसा ऐसा हो रही थी। रहने दो, तो अभी मुझे स्कूल का होमवर्क करना है क्योंकि ट्यूशन का होमवर्क मैं कल भी कर सकती हूँ। तो आज मेरी दादी आई हुई है, मशरूम में सोएंगी, आयु मशरूम में सोएंगी, बट व्लॉग सेक के लिए जब तक वो इस रूम को नहीं आती तब तक मैं इधर ही पढ़ूंगी। हमें पढ़ना है, अच्छा कल है हिंदी ओडिया फिजिक्स कंप्यूटर इंग्लिश ज्योग्राफी मैथ्स।
ओके तो मुझे लिखना है सिविक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और क्या, आई डोंट नो। हमारे घर में बहुत नॉइज हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर। जस्ट हिंदी कंप्लीट किया है, इंग्लिश हाफ किया है मैंने, क्योंकि आई डोंट थिंक मैम ने कल कॉपी सबमिट करने के लिए बोला था। और सिविक्स का कल तो हिस्ट्री है, सिविक्स नहीं है, मतलब वही हिस्ट्री क्लास में ही सिविक्स होता है, तो कल हिस्ट्री हमें लेना है। तो मैम ने अभी तक तो बोला नहीं कॉपी सबमिट करने के लिए, उन्होंने बोला था कॉपी सबमिट कर देना लिख लियो, तो पता नहीं लेकिन उन्होंने कल बोला था या क्या, बट कल लास्ट क्लास है हिस्ट्री। तो अगर मैं स्कूल पहुँची और किसी ने बोला कि आज ही मैम कॉपी लेंगी, तो मैं रिसेस में बैठ के या क्लासेस के बीच में जो 5-5 मिनट का गैप्स होता है या फ्री पीरियड में बैठ के उसे खत्म। कल तो मुझे कुछ फ्री पीरियड है लगता तो नहीं, बट जो देखा जाए, देखो मैं आज ट्यूशन गई थी, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, बट हाँ मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है और मेरे से होमवर्क भी नहीं होगा अभी, सीरियसली मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सोने वाली हूँ। कल मैं ट्यूशन नहीं है, कल बैठ के मैं आराम से होमवर्क करूँगी हर एक सब्जेक्ट का। और परसों तो मेरे क्लासेस है नहीं, बट छोड़ो रहने दो, अभी बुक्स एंड कॉपीज चलो मैं पैक करूँगी थोड़ा सा। और दादी भी उस रूम में, उनको एक्चुअली एसी पसंद नहीं है, बट उन्होंने बोला जब तक तू व्लॉग वगैरह एंड करेगी, तेरा पढ़ाई करेगी, मैं इधर ही रहूँगी, एसी वाले रूम में वो हैं अभी के लिए। तो अभी चलो मैं बैग वगैरह पैक कर लेती हूँ। पढ़ाई खत्म हो गया, बैग पैक खत्म हो गया, तो आपको लग रहा होगा मेरा दिन भी खत्म हो गया, पर नहीं, मुझे अभी मिनी व्लॉग एक वॉइस ओवर करना, एक भी नहीं एक्चुअली, दो मिनी व्लॉग मुझे वॉइस ओवर करने एंड फिर मैं सोने जाऊंगी। पिछले 2-3 दिन से मुझे इतना चिड़चिड़ा सा लग रहा है ना, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ना काम इतना काम, मुझे नहीं करना है सब काम। और यूस हो गया आज आयु का ना, नोजी आ रहा है, उसका तबीयत खराब, ज्यादा बदमाशी कर रहा हो तो यही होगा, पानी में हमेशा नहाता रहेगा, ज्यादा बदमाश है, ज्यादा प्यारा प्यारा है ना आपको आपका बेटा, बहुत चिड़चिड़ हो रहा है। और उसका नया गाड़ी में सेट कर रहे हैं, हाँ जो आया था। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड, होपफुली आप सभी को आज का व्लॉग पसंद है। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, पट आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो बाय, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, तो फिर टेक केयर एंड बाय। जस्ट इतना याद रखना कि मैं आप सभी के ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे आई डोंट नो फॉर नो रीज़न मुझे गुस्सा आ रहा है और आ रहा है, तो बस।